हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल ब्लू टेक एसी। आज के वीडियो में हम तीन टन की हमारी कैसेट कैसी है और इसमें गैस नहीं है, आइए चेक करते हैं प्रॉपर और आपको बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। आइए चार्जिंग लगा। जैसा कि इसमें देखा हमारी 125 के आसपास गैस है और ये हमारी आरबास की मशीन है, तो इसमें देखते हैं प्रॉपर कहाँ लीक है, क्योंकि प्रॉपर गैस है नहीं इसके अंदर और हमारा इसमें बैक प्रेशर भी कम से कम 30 चल रहा था। तो आइए चेक करते हैं प्रॉपर लीकेज और चेक आपको बताते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं और तो सबसे पहले इंडोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए जो बीच में होल है इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा दोनों साइड में, और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आपको दिखाते रहते हैं, देखते रहिए। इसको हमने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं पूरे थर्माकोल है जो हमारी ट्रे होती है। अब इसको भी निकाल के बाहर दिखाते हैं आपको। सो फाइनल हमने इसे ओपन कर लिया और इसे लीकेज भी चेक कर लिया, बट कहीं पर भी लीकेज नहीं। आप जैसे मैंने फ्लेयर भी चेक करा तो फ्लेयर भी हमारा बिल्कुल सही है और दोनों साइड हमने रॉन्ग साइड भी और इसकी कूलिंग दोनों साइड में देख लिया, कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं। प्रेशर भी नाइट्रोजन में होल्ड करके देख लिया, फिर भी नहीं कहीं लीकेज है। तो चलते हैं फिर आउटडोर पर और आउटडोर पर चेक करते हैं कहाँ पर लीकेज है। देखा हमने सारी चीज़ खोल ली है और हमने इंडोर भी चेक करा तो वहाँ पे भी लीकेज नहीं मिला। तो हम फिर देखें कि कूलिंग कोयल में आउटडोर पे आए और देखें कि हमारा ये जो सेक्शन की पाइप है ये पूरी तरह से लीक हो रही है। आप देख सकते हैं कितना ऑयल आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए कितना ऑयल है, ये लीक है यहाँ से, ये जैसे आप देख सकते हैं कितना लीक है। तो आइए चेक करते हैं और इसमें नाइट्रोजन डाल के पहले देखेंगे और कहाँ का लीकेज है, फिर इसका वेल्डिंग मारेंगे और इसका फिर गैस डालेंगे। ठीक है, सो हमारे इस वीडियो में बने रहे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
जैसे कि आपने देखा इसके अंदर R22 की गैस है, आप दिखा सकते हो इसका, आप देख सकते हो इसका मॉडल सीरियल नंबर क्या है। और इस जैसा कि आपने देखा हमने बिल्कुल अच्छे से ब्रेजिंग कर दिया, जैसे देखते सेम नीचे भी ऐसे करा है, तो ये आप देख सकते हैं कहीं भी कोई लीकेज नहीं। और इसमें दोबारा नाइट्रोजन डालेंगे और चेक करेंगे और या तो लीकेज नहीं है, आइए डालते हैं। तो सो फाइनली हमने लीकेज दिखाया और भी जगह चेक करा तो यहाँ पे भी लीकेज था, और जैसे आप देख सकते हैं जस्ट के नीचे भी लीक है। तो हमने तो सेक्शन को वेल्डिंग ब्रेजिंग कर दिया था, तो उसमें भी नाइट्रोजन डाल के देखा तो यहाँ से भी लीक है, तो इसको भी रिपेयर करेंगे, तो आपको दिखाते हैं रिपेयर करके। तो हमने ब्रेजिंग कर लिया क्योंकि इसकी वीडियो ये ब्रेजिंग का तो नहीं डालना क्योंकि इसमें लंबी वीडियो बन जाएगी, तो हमने ब्रेजिंग कर लिया। आप दोबारा इसके अंदर नाइट्रोजन डाल लें और आपको चेक कराते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अभी इसमें हम 150 प्लस डाल लें, फिर बाद में और बढ़ा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ब्रेजिंग करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, और इसमें हमने सरप भी डाल के चेक कर लिया तो कहीं कोई लीकेज नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ी नाइट्रोजन डाल के थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम वैक्यूम करेंगे आधे घंटा, फिर आपको गैस डाल के दिखाएंगे। सो आपने देखा हमने इसे पैक कर दिया और इसमें नाइट्रोजन में डाल के देख लेता, तो नाइट्रोजन तो सही है और 100 प्रेशर है और 100 डाले थे हमने। तो आइए अब इंडोर पैक करने चलते हैं, फिर इसके बाद में वैक्यूम पे लगा दिया तक मशीन, और जैसे स्टेप बाय स्टेप खोले सेम उसी तरह लग जाएंगे, तो आपको सारी वीडियो लगा के दिखाते आ जाइए। बना रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि हम आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्यों बहुत मेहनत लगता है, लाइक जरूर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा हमने इसे वैक्यूम पर लगा के छोड़ दिया था आधे घंटे तक, और अब आके देखा तो हमारी वैक्यूम भी हो रखी है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल माइनस में आ गई है। अब इसके अंदर हम गैस डालेंगे, तो हम R22 के सिलेंडर है और इसमें हम गैस डाल लें, कम से कम इसका प्रेशर रनिंग प्रेशर 60 से 70 होता है, तो इनके बीच में रखना होता है, तो आइए आप रख के दिखाते हैं। सो फाइनली हमारी एक गैस ख़त्म हो गई है, 2 किलो का एक सिलेंडर है तो इसमें गैस ख़त्म हो गई है, और दूसरी सिलेंडर मंगाया है, अभी दूसरे सिलेंडर आपको डाल के दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 100 आ रहा है, और ये हमारी कम से कम 150 होने चाहिए क्योंकि R22 का प्रेशर 150 होता है, तो आपको दिखाते हैं अभी दूसरा सिलेंडर डाल। तो फाइनल हमारी दूसरी सिलेंडर पे आ चुकी है, तकरीबन इसमें 3 किलो के आसपास गैस जाएगी, तो अब इसमें डालते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी रनिंग प्रेशर कितनी है, 40 से और इसे बढ़ा कर कम से कम 60 से 65 करेंगे, तो आइए अब गैस में गैस डालते हैं और देखते हैं आप। सो फाइनली हमने भी गैस डाल दी, अब पूरी हो गई, अब इंडोर के पास आए, जैसे देख सकते हैं कूलिंग बहुत अच्छी है और रूम भी बहुत चिल्ड हो चुका है, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि हम आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्यों बहुत मेहनत लगता है, लाइक जरूर करना बहुत ज़रूरी है।